आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आज से लेकर 12 तारीख तक गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों से अनेकों ट्रेन झारखंड सरकार पहुंचेगी, क्योंकि ये राज्य सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रवासियों को राज्य में ला रही है और इस संदर्भ में सभी राज्यों के प्रवासी मजदूरों के संदेश भी पढ़े जा रहे हैं, उनके द्वारा भेजा जा रहा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, उन सभी पर सरकार की नज़र है। आज हमारे सरकार के द्वारा अपलोड किया गया घर वापसी का जो ऐप है उस पे लगभग 5.5 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं विभिन्न राज्यों से जो वापस झारखंड आना चाह रहे हैं। वो सभी आंकड़े अपने नोडल ऑफिसरों को उपलब्ध करा दिया गया है और वो सभी विभिन्न राज्यों के नोडल पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर मजदूरों को सकुशल झारखंड लाने का काम जारी। देखिए, अभी एक प्रक्रिया के तहत अभी सरकार, भारत सरकार के नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही ट्रेनों में लोगों को लाया जा सकता है। जिस ट्रेन में 5,000 की कैपेसिटी है उसमें मात्र 1,200 ही लोग आ पा रहे हैं। इसको लेकर निश्चित रूप से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया जब तक मजदूरों को आने की सिलसिला जारी रहेगी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आप लोगों से और आप लोगों के माध्यम से हम अपने प्रवासियों से अपील करना चाहेंगे। अभी जिस तरीके से हमें विभिन्न समाचार पत्रों से, चैनलों से जो जानकारी मिल रही है कि कई जगह से लोग पैदल चल सके हैं, कई जगह लोग ट्रेन के पटरियों के साथ चल रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहा है, कहीं महिला बच्चे, हर तरीके के लोग, और कई जगह कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो गई हैं इन प्रवासियों के निकलने से, नई राह ढूंढने से। ये निश्चित रूप से काफ़ी मर्माहत करने वाली है और मैं इन खबरों को सुनकर काफ़ी दुखी हूँ और आग्रह करता हूँ कि झारखंड के प्रवासी जहाँ हैं आप वहीं रुकें और हर संभव हमारा प्रयास है हम आपको सुरक्षित अपने राज्य पर लाएं। इसके लिए सरकार लगातार अपने कामों में लगी है, धैर्य से काम लें और अभी काफ़ी इस माहौल में सहनशीलता की आवश्यकता है और मैं जानता हूं कि झारखंड के लोग काफ़ी संघर्षमय इनका जीवन रहा है। कुछ समय जरूर हमें लग रहा है क्योंकि प्रक्रिया ही कुछ इस तरीके से बनी है कि उसको हम लोग बहुत तेज़ी नहीं कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों को झारखंड लाया जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त दिलाते हैं। देखिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ प्रवासियों का आना प्रारंभ हुआ ही है और हमने पहले भी कहा था हम अपनी समस्याओं को अभी नहीं बल्कि जब हमारी प्रवासी आएंगे उस समय हमारी मुसीबतें बढ़ेंगी और उसके अनुरूप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्याओं में थोड़ी अधिक देखने को मिल रही है और जब तक लोगों को सुरक्षित रूप से हम लोग उनके
निर्धारित स्थान तक ना पहुंचा पाए तब तक हम कोई भी निर्णय काफी चिंतन के बाद ही लिया जाएगा और इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और समय अनुकूल चीजों पर हम लोग निर्णय लेंगे। देखिए सिर्फ आने के ही सिलसिला नहीं है, यहाँ जाने के भी सिलसिला की भी बात है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यहाँ फंसे पड़े हैं झारखंड में और सरकार उनको उनके राज्यों तक भेजने की भी व्यवस्था कर रही है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जब तक प्रवासी आते रहेंगे क्या लॉकडाउन जारी रहेगा, यही सवाल का मूल रूप है। इसका आकलन समय आने पर किया जाएगा और इस संक्रमण की गतिविधियों के आधार पर यह निर्भर करेगा कि ये लॉकडाउन की सिलसिले जो हैं कब तक चलेंगे, किस प्रकार चलेंगे, किन क्षेत्रों में चलेंगे, ये निर्णय समय के अनुसार ही लिया जाएगा।